और सीलिंग कराना इनका काम नहीं है। उनका भी हार्दिक स्वागत। कोई मापदंड नहीं है। जगदीश कुमार जी जज बनाया जा रहा है। जमौती गांव से आए हैं बस लेकर के, उनका भी हार्दिक स्वागत। सुप्रीम कोर्ट है दो बसें लेके आए हैं, उनका भी स्वागत। मोदी जी लगातार स्टेज पर तमिलनाडु से स्वागत है। खत्म किया 20 मार्च 2018। राजकुमार सैनी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी पधार चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राजकुमार सैनी जी को हमारी मांगे मंच पर लेकर जाए। धन्यवाद जी के साथ हजारों लोग आए, बंद पड़ी हारे मणि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुलना चाहिए, वो भरे जाने चाहिए। क्रांति क्रांति ओम प्रकाश जी को सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं आप सीलिंग को लेकर सरकार से क्यों नहीं कहते कि वो कानून है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक लाइन का कानून लाना है कि जितनी भी सीलिंग चल रही है वो बंद होगी। ये तो केंद्र के हाथ में है, करे या न करे, मैं कोई सरकार का हिस्सा यहाँ नहीं हूँ। मैं अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और माइनॉरिटी की तरफ से लड़ रहा हूँ। तमाम एमपी है भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी से क्या कहेंगे? मैं कोई सांसद के हैसियत से कहीं भी बैनर में एमपी नहीं लिखा हुआ। ये मेरा 20 साल की संस्था है, सामाजिक है, कर्मचारी अधिकारी संस्था के माध्यम से, इसी संस्था के माध्यम से सरकार से कहेंगे कि नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टियां डरती क्यों? ये राजनीतिक पार्टियों के सामने ये सब दिन दहाड़े न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका का ताकत छीन रही हो, चुप क्यों? और 2006 में जब लाखों दुकानें सील कर दी गई, जब सभावाल जी यहाँ पर चीफ जस्टिस थे, लोग बर्बाद हो गए, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? आज जो सीलिंग हो रही है इसका भी हश्र कुछ नहीं होने वाला, केवल बर्बादी होने। सर सरकार से क्या कहेंगे ये बताइए ना, इस संस्था की हैसियत से आप अपनी पार्टी बीजेपी से क्या कोई मेरा बीजेपी से इस मामले में इस मुद्दे का कोई संबंध? सरकार तो नहीं किया, उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे? अगर आज जब हम घेराव करने जा रहे हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट में सरकार भी बन गई और मॉनिटरिंग कमेटी डिपार्टमेंट, तो हम आज सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके सरकार को संदेश देंगे कि सरकार संज्ञान ले। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आप घेराव करेंगे न्यायपालिका का, टकराव क्यों फिर? कहाँ कोई टकराव, क्या गलत करेंगे तो हम बोलेंगे? सर सीधे सरकार को क्यों ना घेरा जाए, क्योंकि जब सरकार के हाथ में सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, लाचार हो रही। 2014 में अमेंडमेंट किया गया संविधान में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बनाया गया, तो इसके बाद PIL के माध्यम से उस अमेंडमेंट को खारिज कर दिया, जबकि 21 राज्यों से भी वो पास हुआ था। तो सरकार को मान कहाँ रही है? सरकार तो खुद ही चला रहे हैं, देश तो खुद ही चला रहे हैं, लेकिन आज हम घेरेंगे। हमारी मांग है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना और हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति हाईकोर्ट का किसी वकील का राजेंद्र जी के साथ धन्यवाद, लक्ष्मीचंद जी के साथ 40 लोगों का, उसके मुकदमे के समीर चौधरी जी समाज सेवी का है, जो 40 लोगों के साथ आए हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। परीक्षा पास करनी पड़ रही है, तो ये जो व्यवस्था है पीपी सिंह जी लद्दाख आए हैं, असंवैधानिक अनिल मंसूरी जी गाजियाबाद से 15 लोगों के साथ आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। सरकार के पास आने के लिए सभी जन कल्याण मंच रोहिणी नीचे से दीजिए, ये हमारी राणा जी है, आप इनको दे दीजिए। डॉक्टर हमारा
आज पर जिनको बुलाया गया है वही साथी आए। करने आए भी वही भर में